चुनावी ड्यूटी करके लौट रहे पुलिस कर्मचारियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अनेक पुलिस कर्मचारियों घायल होने की जानकारी मिली है। भांडेर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी सभा के बाद ड्यूटी से लौटते वक्त SAF जवानों को वापस दतिया लेकर आ रही बस एक ऑटो को बचाने में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन पलटने से उसमें सवार 15 से 20 पुलिस जवान घायल हुए हैं। दुर्घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर दतिया संदीप माकिन सभी पुलिस जवानों के बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचे और सभी घायलों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों को सभी घायल पुलिस जवानों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहना के हनुमान मंदिर के पास अचानक एक ऑटो सामने आ गया, जिससे बचाने के चक्कर में वाहन चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और पुलिस जवानों से भरा वाहन पलट गया। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल सभी घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ सभी घायल पुलिस जवानों का इलाज जारी है। ड्यूटी करके आ रहे थे अभी जी, तो मोहना जी के हनुमान जी हैं, तो वहाँ पे वो कोई ऑटो को बचाने के लिए बस पलट गई आपस में और 31 जवान घायल हुए, जिसमें से एक को माइनर फ्रैक्चर है। बाकी सबकी जांच करके कुछ को दवा दे के छोड़ रहे हैं, कुछ में एक का कान पे यहाँ कट लगा है, उसकी मतलब कर दिया है, उसका स्टिच लगा दिए हैं। ये कभी आपने देखा हो थोड़ा गर्दन पे उनके है जग्स हैं और वो जो ब्लंट टाइप का जैसे कहते हैं ना, अंडर प्रेशर 5-6 जवान महसूस कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब का भी फ़ोन आया था कि अगर किसी को रेफ़र करने की आवश्यकता हो तो वहाँ पर ग्वालियर में भी उन्होंने व्यवस्था कर दी है पूरी। फिर भी यहाँ पे अभी निगरानी रखी जा रही, प्राइमा फेसी तो नहीं लग रहा है किसी को भेजने की आवश्यकता, लेकिन डॉक्टर साहब को मैंने मतलब रिक्वेस्ट कर ली है CMHO साहब को और सिविल सर्जन साहब को कि जो है अगर ऐसी स्टेज बनती तो उसमें जरा भी विलम्ब ना करिएगा, सीधे भेज दीजिएगा।